मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शराब के नशे में एक दोस्त ने ही दोस्त पर ईंट से हमला कर दिया और रात के समय इसे घायल अवस्था में बाइक पर बिठाकर गलियों में घूमता रहा और आखिरकार एक मंदिर के परिसर में इसे छोड़कर चला गया। घायल अवस्था में होने की वजह से काफ़ी खून बह गया और इस व्यक्ति की मौत हो गई। ये पूरा मामला नागपुर के यशोधरा नगर का है। मृतक का नाम रवि मनोहर धाड़े 35 साल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रवि और सूरज नाम के ये दोनों युवक जो है ईंट भट्ठे पर काम करते थे और रोज़ाना की तरह ये लोग काम खत्म होने के बाद एक साथ बैठकर शराब पीते थे और शराब पीने के दौरान दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, गाली गलौज होने लगी और इसी दौरान गुस्से में आकर सूरज ने रवि पर ईंट मार दिया। ईंट लगने की वजह से रवि के चेहरे और सर में काफ़ी चोट लगी, जिसके बाद सूरज ने अपने एक साथी के साथ मिलकर रवि को बाइक पर बिठाया और गलियों में घूमता रहा और आखिरकार ये भील गांव के एक हनुमान मंदिर परिसर में ले जाकर इसे छोड़ दिया और वहां से भाग गए। चोट लगने की वजह से काफ़ी खून बह रहा था रवि को और इसकी वहीं पर मौत हो गई। सुबह के वक्त मंदिर परिसर में लाश मिलने की जानकारी पुलिस को दी गई और मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सीसीटीवी फुटेज वगैरह पुलिस ने खंगाला तो आरोपियों की जानकारी भी सामने आई और पुलिस ने इस हत्या में शामिल आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज कल तारीख 1/12/2022 को तकरीबन 8:30 से 9 बजे के दरमियान पुलिस स्टेशन को ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि भीलगांव में हनुमान मंदिर में एक ईसम गिरा है, तो जिसकी वजह से हमारे अधिकारी घटनास्थल पर गए और उन्होंने आगे की तफ्तीश के लिए हमारे डीबी टीम को बताया। तो डीबी टीम ने वहाँ के तांत्रिक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए और देखे तो उन्हें पता चला आरोपी का। उसके बाद तफ्तीश में ये पता चला कि मृतक और आरोपी यह दोनों खैरी विट भट्टा जूना काम की पुलिस स्टेशन के हद्दी में है, वहाँ पर काम करते थे और वो दोनों भी शराब पीने के लत के आदि थे। तो किसी कारणवश उन दोनों में कल रात जो 30 तारीख की रात को झगड़ा हुआ, जिसने सूरज ने मृतक को मुँह पे और सर पे ईंट से मारा ऐसे दिख पड़ता है। इसका तपास शुरू है, दो आरोपी इसमें अटक किए गए।